खान ऑफ कल्लाद जो है उन्होंने कहा कि हम अपनी असेंबली में डिस्कशन करेंगे और कंसेंसस के बाद हम कोई ऐलान करेंगे। और जब वो डिस्कशन शुरू हुई, अभी वो उसका कोई नतीजा नहीं निकला था कि कोयटा से एक जनरल साहब जो है उनको ऑर्डर मिला और उन्होंने कल्लाद पर हमला कर दिया और 1948 में आपने उस पर कब्जा कर लिया। कब्जा करके आपने जबरदस्ती इलाहाबाद के दस्तावेज पर दस्तखत करवा दिए। मैं एक दिलचस्प दास्तान आपको सुना। खान अहमद और खान जो इस वक्त खान ऑफ कलाद थे, वो कहते हैं 1948 में जब मैं सोच विचार कर रहा था पाकिस्तान के साथ इलाक में, तो मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बशारत हुई कि मैंने मुसलमानों के लिए एक आजाद रियासत बनाई है, आप उसमें शामिल हो। और हम बलोच ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहा है वो दरअसल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गद्दारी कर रहा है। जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि ब्रह्मदा मुफ्ती और हरबियार मरी का असर नफूस एक लिमिटेड एरिया में। इस वक्त जो असल प्रॉब्लम है वो आपकी कोस्टल बेल्ट में है, कोस्टल बेल्ट मकरान रीजन। यहां पर कुछ लोग कहते हैं कि जी बलोचिस्तान खुदा न खास्ता टूट रहा है, बलोचिस्तान जल रहा है। भाई बलोचिस्तान के 30 डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ 30 5 अजला में हालात अमन अमान की सूरत हाल कुछ बेहतर है, बाकी बलोचिस्तान में अमन है। और मैं शहजाद राय साहब अभी फरमा रहे थे कि कौन है जो घर में बैठ के घर को आग लगा रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, वो इंडियन रॉ के एजेंट हैं जो उजरती कातिल बनकर बलोच कौम को दूसरे अकवाम के साथ लड़ा रहे, साथ साथ इनोसेंट प्रोफेसर डॉक्टर्स इंजीनियर्स को कत्ल कर। एक इशू तो हमने डिस्कस कर लिया, अब आप कहते हैं कि मसले का हल मुजाकरात है, मसला सियासी तौर पे हल करना है। बिल्कुल मसला आपने सियासी तौर पे हल करना है। एक लाख लोगों ने बलूचिस्तान से उनकी वजह से नकल मकान, सिर्फ डेरा भट्टी में 800 लोग लैंडमाइन से शहीद हो चुके, इंक्लूडिंग 48 वुमेन एंड 32 चिल्ड्रन। इसीलिए हम ये समझते हैं कि ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। लिहाजा हमें पुट्टी भर दहशतगर्दों के हाथ ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, हमें उनसे माफिया नहीं मांगनी चाहिए, हमें उनका सदेबाब करना। बलोचों के साथ धोखा किया, ये बात पंजाब के लोगों को नहीं पता, ये आपको बताने की जरूरत है क्योंकि पंजाब ही में सबसे ज्यादा जो है इस्लाम और नजरिया पाकिस्तान के लंबरदार हैं। अभी बात करते हैं बलोचिस्तान में एक बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक फिनोमेना है जी, हम डिप्राइव्ड हैं, इसमें कोई शक नहीं जी, हम डिप्राइव्ड हैं, हम बलोचिस्तान के लोग अंडर डेवलप्ड। लेकिन जरा गौर फरमाए कि हम क्यों अंडर डेवलप। आज तक जितने भी वज़ीरे आला बलोचिस्तान के आए हैं सवाए नवाब साहब के वालिद के तमाम बलोच, और इनमें से एक भी ये कोई मेगा प्रोजेक्ट क्लेम नहीं कर सकता, फिर किसी और से क्या गिला। मीडिया वाले से भी चंदे गुजारिशात करना चाहता हूं, आप बड़े जोरावर लोग, आप जो चाहे कर सकते हैं। दुनिया में किसी भी खित्ते में ऐसा नहीं होता होगा कि कोई शख्स आके कहे मैं मुल्क तोड़ना चाहता हूं और आप उसको घंटा घंटा एयर टाइम दे दें। आप दे सकते हैं, आपका हक है। हम करना चाहिए कि इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है और आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस जो कुछ वहां पर कर रही है वो काबिले मजम्मत है। फौज के बारे में जनाब बड़ा एक परसेप्शन है यहाँ पर कि जी फौज ने तो बलोचिस्तान में ये कर दिया, फौज ने बलोचिस्तान में वो कर दिया। फौज हमारे बच्चों को तालीम दे रही सर, अगर ये जुर्म है तो खुदारा किसी के प्रोपेगेंडा टूल से मुतासर होकर इस जुर्म को रोकिएगा मत। ये जुर्म करते रहिएगा तब तक जब तक बलोचिस्तान का हर बच्चा इल्म के जेवर से आरास्ता ना। मैं तमाम बलोचिस्तान की तरफ से पाक फौज का और सिपाह सालार का शुक्रिया अदा करता हूं।
دونوں نے سوئی جیسے پسماندہ جگہ ملٹری کالج کا قیام کروایا اور وہاں پر کلاسز شروع کرے. آخر میں بکٹی قبائل کے ماہدین میرے ساتھ تشریف لایا ان کی طرف سے اور باقی تمام بکٹیوں کی طرف سے. پاک فوج کے نڈر دلیر غجور غازیوں اور شہیدوں کو صرف سلام پیش کر. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.